फाइनली आपके प्यार और बहुत इंतज़ार के बाद हमारा हमें पहला DSLR रिसीव हो चुका है। तो हमने इस DSLR को ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो ये मैं 2-3 महीने से इस DSLR के बारे में सर्च कर रहा था, तो फाइनली जो मुझे समझ आई थी वो आई थी कैनन M50 Mark II की। पहले कैनन 200D Mark II की समझ आ रही थी, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा मुझे वीडियो क्वालिटी का फ़र्क नज़र आया कलरिंग का, तो इस वजह से मैंने फिर थोड़े से पैसे और जमा करके तो मैंने फाइनली कैनन M50 Mark II परचेज़ कर लिया है। तो ये रहा हमारा पार्सल, ये परचेज़ का बता देता हूँ मैं आपको। ख्वाजा फ़ोटोज़ के नाम से शॉप है लाहौर में, तो ये लाहौर से परचेज़ हुआ है। ये मुझे मुनासिब कीमत में मिला है, इसकी वजह पता नहीं है, और इसको ओपन करेंगे बाकी यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आपने परचेज़ करना हो तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट वगैरह और हर जगह मैंने सर्च किया है, तो मुझे मुनासिब कीमत जो लगी इनकी लगी थी, तो इस वजह से मैंने फिर यहाँ से परचेज़ कर लिया है और ये हमें रिसीव हो चुका है। तो चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है इस पार्सल के अंदर। तो ये रहा हमारा पार्सल, पार्सल के ऊपर आप डिटेल देख सकते हो, मेरे नाम से आया सलमान अदीब और यहाँ पे जहाँ से आया फ्रॉम, और ये उनका नंबर भी लिखा हुआ है और ख्वाजा फ़ोटोज़। तो इसकी पैकिंग वगैरह आप देख सकते हैं कि ये इसकी पैकिंग यहाँ पे कमाल की है। तो इसको ओपन करते हैं, बाकी अंदर देखते हैं कि इसमें डैमेज वगैरह होने का ख़तरा या इस तरह से अंदर से इसकी पैकिंग किस तरह की है। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे एक ऊपर प्रोटेक्ट के लिए यहाँ पे फोम पड़ा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे हमारा कैमरा पड़ा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पे पहले हम कैम को निकाल देते हैं, तो ये इसको हम साइड पे रख लेते हैं अभी के लिए। और इसके अंदर हमें एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी ये 3 चीज़ें, तो ये 3 मंगवाई हैं मैंने। यहाँ पे हमारे पास बिल है, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास है एक 64 का अलहदा से हमने जो मंगवाया है इसमें मेमोरी कार्ड, तो यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सैंडिस्क की कंपनी है और 64GB का है, और ये हमारे पास 170 MBPS यहाँ पे स्पीड देता है, बेस्ट मेमोरी कार्ड रहेगा DSLR के लिए। तो ये है कार्ड हमारा, बाकी आप देख लो, मैं चीज़ें आपको अच्छी तरह से दिखा दूंगा, बाकी आप कंपैरिजन कर लेना फेक और रियल में। तो ये मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहा हूँ आज, इसमें हम रिव्यू वगैरह नहीं करेंगे। तो ये इसको हम साइड पे रख देते कार्ड को। और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरा हमारे पास लेंस के ऊपर जो प्रोटेक्टर लगा होता है वो है, क्योंकि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा धूल है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बार बार किसी क्लोथ से इसके लेंस को साफ़ करूंगा तो ये ना हो कि कोई ऐसी चीज़ गलती से लग जाए जिससे निशान पड़ जाए। तो अगर ये आगे होगा लेंस के तो इसी को साफ़ करेंगे, इसके अगर कोई चीज़ आगे लग भी जाती है तो ये दोबारा चेंज हो जाता है, जो सिर्फ़ आपको 300 में मिल जाता है। ये है हमारा प्रोटेक्टर छोटा सा जो कि हमारे DSLR कैमरे के लेंस के आगे लगेगा, तो इसको मैं इसी तरह से अभी साइड पर रख देता हूँ। तो इसकी कंपनी वगैरह आप देख सकते हैं, ये कंपनी है और बैक साइड पर कुछ ये डिटेल है। तो ये आ गया हमारा DSLR। तो यहाँ पे मैं आप सॉरी ये DSLR नहीं है, ये सिर्फ़ एक कैमरा है। DSLR आपको पता होगा मिररलेस और दूसरे में क्या फ़र्क होता है। तो ये है हमारे पास कैनन का M50 Mark II। तो इस साइड पे देख सकते हो हमारे पास इस साइड पे नाम मेंशन किया गया है, और उसके साथ यहाँ पे 24 MP है और 4K सपोर्टेड है, डुअल पिक्सल आउटो फोकस है, और इसके साथ हमारे पास वाईफाई ब्लूटूथ और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं इसके बॉक्स के फ्रंट पे। और इस साइड पे आप देख सकते हो, इस साइड पे भी इसकी थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अब हम करते हैं इसको ओपन। तो ये हो गया इसका बॉक्स ओपन, हम इन चीज़ों को साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये बॉक्स के अंदर नहीं थी, ये लैदर से हमने परचेज़ की हैं। और इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलता है, एक बहुत मोटी सारी मैनुअल बुक जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है,
इसके साथ हमें सबसे पहले देखने को मिलती इसकी स्ट्रिप जो कैमरे को लगती है। तो कैनन की यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है और ये हमारे पास स्ट्रिप आ गई। और उसके साथ हमारे पास क्या चीज़ पड़ी है यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास लेंस है, तो ये है हमारे पास लेंस जो के है 15-45 mm। तो इसको हम अभी के लिए साइड पे रख देते। और ये है हमारी बॉडी M50 Mark II, लाइट वेट सी बॉडी है। आपने DSLR की देखी होगी वो हैवी होती हैं, ये मिरर लेस है जिस वजह से ये लाइट वेट है और छोटी सी बॉडी है इसकी को भी हम बाद में देखते हैं, इसको साइड पे रखते हैं अभी के लिए और बॉक्स में और चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद एक चार्जिंग केबल, उसके साथ है हमारी बैटरी, तो ये है बैटरी। बाकी आप देख लीजिएगा कॉपी और रियल कैसे पता चलता है और वो भी मुझे भी बता दीजिएगा, फिर बाकी हम इनको बाद में देखेंगे। और इसके साथ है हमारा अडॉप्टर, बाकी हमारे पास बॉक्स खाली। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हम अपना जो कैमरा है उसको अनबॉक्स कर चुके हैं। बाकी इसमें सिर्फ क्या इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सारा कुछ मैंने आज इस वीडियो में दिखा दिया है। तो ये है हमारा वो कैमरा M50 Mark II, बहुत छोटा सा लाइट वेट है, व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन मुझे वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी लगी थी तो इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया है। बाकी आप ये मेरे इस कैमरे से लास्ट वीडियो है, बाकी आप जितनी भी इस चैनल पे वीडियोस देखेंगे वो सारी इससे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपने रिज़ल्ट देखना है इसका 1080 4K, वो सारी मैं आप कोशिश करूँगा कि 4K में अब वीडियो रिकॉर्ड किया करूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा क्रॉप ज़्यादा कर देता है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग करके देखूँगा, अगर तो सेटिंग यहाँ पर सेट बैठ गई 4K के लिहाज से, क्योंकि मेरे पास अभी के लिए लेंस यही है और मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ, तो अभी के लिए यही लेंस चलेगा जब तक आप लोग प्यार नहीं दिखाते, नेक्स्ट हमारी जो YouTube की पेमेंट नहीं आ जाती तब तक हम यही लेंस चलाने वाले हैं। तो बाकी लेंस चेंज करते रहेंगे, उसकी भी अनबॉक्सिंग आएगी जब भी वो आएगा नया लेंस। तो यही थी आज की हमारी वीडियो और ये परचेज़ कहाँ से किया और इसकी वीडियो क्वालिटी वगैरह से मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू मैंने देखी जिस वजह से ये परचेज़ किया। तो लाहौर से आया है, पाकिस्तान से बेसिकली रहता हूँ और ये आपको इनकी वेबसाइट और ख्वाजा फ़ोटो आप लिखोगे तो इन गूगल पे प्रोफाइल है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो और इनका व्हाट्सएप वगैरह और वेबसाइट भी है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था तो मेरे पास सिर्फ एक रात के अंदर यहाँ पर मेरे पास पहुँच गया। तो डिलीवरी काफ़ी फास्ट है, कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड यही करूँगा।
क्योंकि मैंने भी फर्स्ट बार यहाँ से परचेज़ किया है, तो आपके सामने ही रिज़ल्ट, बाकी इसको जब यूज़ करेंगे या बाकी चीज़ें मैं दिखाऊंगा किसी को तो वो साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।